Hello young charms, I'm your trainer Pooja. Today we will start our new chapter, Nouns, Number of our Grammar Glitter Odyssey of Grade 5 by Brain Road. It's a product of Amit Publishing House. So today we will start nouns, that is numbers. So children, in your last class you all have studied about noun. So retract. There are two nouns, singular and plural. Today we will read about singular nouns and plural nouns. Singular nouns. A noun is said to be singular if it is referred to one person or thing. अगर हम एक चीज, एक व्यक्ति, एक चीज, एक जगह या किसी भी एक person के बारे में same बात कर रहे हैं, तो वो singular कहलाता है. Plural, like इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं. मदर गेव द बेबी अ टॉय कार. मदर, एक माँ ने अपने बच्चे को एक खिलौना कार वाला दिया. तो यहाँ पे हर चीज एक है, एक माँ है, एक बच्चा और एक ही खिलौना है. आई एट एन एग फॉर ब्रेकफास्ट. मैंने सुबह ब्रेकफास्ट के लिए एक एग खाया है. सॉरी, सो यहाँ पे एक के बारे में बात हो रही है. तो ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ सिंगुलर नाउन. सो plural nouns. A noun is said to be plural if it refers to more than one. अगर एक से ज़्यादा चीज़ के बारे में, व्यक्तियों के बारे में बात होती है, तो उसको हम plural noun कहते हैं. Mother gave the baby several toys. Mother एक है पर कितने toys दिए हैं? बहुत सारे दिए हैं. Apples are good for health. Here mentioned apples, not an apple. Only an apple is not mentioned. Apples are mentioned. So, plural noun. Formation of plurals. हम बनाते कैसे हैं? इस पे जरा ध्यान देंगे. Adding s at the end of noun. जब हम किसी noun के पीछे s जोड़ देते हैं, तो वो क्या बन जाता है? वो plural बन जाता है. Tree plus s. Tree है तो single है. S जोड़ दिया तो trees बन गया. टीचर है, सिंगल है, एस जोड़ दिया तो टीचर्स बन गया. बॉटल है, सिंगल है, एस जोड़ दिया तो बॉटल्स बन गया. इंटरप्रिटेशन. ओनली काउंटेबल नाउन्स कैन हैव प्लूरल फॉर्म. जिनको हम गिन सकते हैं उनको ही हम प्लूरल फॉर्म देंगे. जिन्हें गिना ही नहीं जा सकता, जो अनगिनत हैं, उन्हें प्लूरल फॉर्म नहीं दे सकते. खाली काउंटेबल नाउन प्लूरल होते हैं, ध्यान रखिएगा. अनकाउंटेबल नाउन हैव नो प्लूरल्स. चलिए, बाय एडिंग es एट द एंड ऑफ नाउन. सेकेंड टाइप है, हम अगर किसी भी नाउन के आगे es जोड़ देते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा मैंगो, मैंगोस, तो हमने क्या करा? es जोड़ दिया, तो हमारा क्या बन गया? प्लूरल बन गया. ब्रश, ब्रशेज, बी आर यू एस एच ब्रश, और ई एस जोड़ दिया तो उसमें क्या बन गया? बहुत सारे ब्रशेज हो गए, तो वो क्या हो गया? हमारा प्लूरल फॉर्म हो गया. यहाँ पे हम बात करते हैं बेंच और बेंचेस, तो प्लूरल बन गया, ई एस एड कर दिया. सेम बट सम नाउन्स आर एक्सेप्शनल. पर इसके कुछ सम नाउन एक्सेप्शनल केसेस होते हैं. लाइक आपका फोटो है, उसमें एस एड करेंगे तो फोटोज हो जाएगा. रेडियो में एस एस एड करेंगे तो रेडियोज हो जाएगा. बाय रिप्लेसिंग वाई विद आई ई एस. हम जब वाई जिनके एंड में आता है, जिन वर्ड्स के एंड में वाई आता है, उनके एंड में हम वाई की जगह आई ई एस लगा देंगे, तो वो प्लूरल फॉर्म ले लेगा. चलिए एग्जाम्पल देखते हैं. स्टोरी, एस टी ओ आर वाई, स्टोरी. अब स्टोरीज की स्पेलिंग देखते हैं, एस टी ओ आर आई ई एस, स्टोरीज. तो क्या हो गया? सिंगुलर ने प्लूरल का फॉर्म ले लिया. लेडी, लेडीज, पपी, पपीज, सिटी, सिटीज. सबके पीछे वाई आ रहा है और हमने वाई को हटा के आई ई एस लगा दिया, तो उसने प्लूरल का फॉर्म ले लिया. एस सिंपल. With the nouns having before y, only s is added. अब यहाँ पे क्या है? At the end of the noun. With the nouns having vowel before y. अब यहाँ पे हमने पढ़ा कि जिनके पीछे y है, पर
जिन वोवल्स, जिन वाई के आगे वोवल्स है, ध्यान से सुनेंगे, जिनके पीछे वाई है वहां आई ई एस आएगा, बट आपको ये भी ध्यान रखना है कि वाई के आगे वाला वोवल भी चेक कर लीजिए, आगे वाला लेटर भी चेक कर लीजिए, सॉरी, अगर वहां पे वोवल दिख रहा है तो वहां पे आई ई एस नहीं लगाना, वहां पे एस लगेगा। कैसे पता चलेगा? यहाँ पे वोवल नहीं है, डी है, दो डी ए वाई डे। अब यहाँ पे देखिए वाई के आगे क्या होता है, वाई के आगे ए लगा हुआ है, वाई के आगे वोवल है, तो यहाँ पे कहीं भी वाई के आगे वोवल नहीं है, पर यहाँ पे वाई के आगे आप देखिए, आप थोड़ा सा इसको देखिए, वाई के आगे यहाँ पे ओ है, दैट इज वोवल, यहाँ पे भी ई है, दैट इज वोवल, यहाँ पे भी है, दैट इज वोवल। तो जहां भी आपको वाई से पहले, बिफोर द वाई इज वोवल, इफ देयर इज वोवल देन यू हैव टू एड एस नॉट ई एस। सो बॉयज, मंकीज, डेज, डंकीज, ओके, बाय रिप्लेसिंग एफ और एफ ई विद बी ई एस। नेक्स्ट रूल, जहां पे आपको F दिख रहा है वहां आप V E S लगा दीजिए, थीफ, थीव्स, T H I E V E S, थीव्स, नाइफ, K N I V E S, F और F ही हटा दीजिए, लीफ, L E A V E S, लीव्स, कव, C A L V E S, कव्स। सो The following nouns are exceptions to this rule, thus from their plural simply adding s at the end. तो कुछ exceptional cases भी होते हैं rules के, तो यहाँ पे हमने f में जो है ves नहीं लगाएंगे, यहाँ पे simply हम s add करेंगे, जैसे कि roof, roofs, chief, chiefs, draw, draws, handkerchief, handkerchief. By adding S to the main principal word, the compound noun, noun with more than one word. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि noun तो है पर उसमें एक से ज्यादा word है, जैसे कि mother is a noun, but if mother in law is there, then mother in laws. Commander in chief, commanders in chief. Father in law, fathers in law. So not father-in-laws, it is fathers-in-law, mothers-in-law. तो यहाँ पे simply क्योंकि noun है और noun में more than one word है, तो यहाँ पे आपको simply s add कर देना है, सिर्फ noun में s add करेंगे, okay? By changing the vowels used in the middle of the noun. अगर आपको किसी noun के mid में vowels दिख रहे हैं, woman, then woman. Tooth, teeth, man, men, mouse, mice. तो ऐसे हम क्या करते हैं फ्रेंड्स कि अपने से कुछ रूल्स के साथ सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट कर देते हैं. टास्क ए, कंप्लीट द टेबल यूजिंग द सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स ऑफ नाउन. आप किसी बॉक्स में हमको सिंगुलर मेंशन है, कहीं हमको प्लूरल मेंशन है, इसको हम कंप्लीट करेंगे अपने रूल्स के साथ. हमने पढ़ा कि जहाँ पे एस एच और सी एच का एंड होता है वहाँ पे हम एस एच और सी एच को हटा के सिंपली ई एस लगा देते हैं, तो ब्रश का हो जाएगा ब्रशेस, माउस का हो जाएगा माइस, माइस हमको प्लूरल फॉर्म दिया गया है, माउस आएगा, ड्रॉफ, ड्रॉफ्स, एफ हटा के वी ए एस आ जाएगा, ड्रॉर, सेम, ड्रॉर का हो जाएगा सिंपली एस लगता है, सेम लाइक दैट यू हैव टू सॉल्व दिस, वी ई एस है वन, आई विल सॉल्व यू, तो यहां पे आ जाएगा हूफ, एफ हटा के हमने वी ई एस लगा दिया, ड्रेस है डबल एस है, ड्रेसेस हो जाएगा, वाइफ एफ ही है, वाइफ्स हो जाएगा. सो रीराइट द बी पार्ट इज, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चेंजिंग द अंडरलाइन नाउंस.
into the plural form. I will change some nouns, some sentences I will read for you and I will solve for you some sentences. मैं थोड़े से सेंटेंस आपके लिए सॉल्व करूंगी. The horror story had a ghost and forgotten man. तो यहाँ पे अंडरलाइन है स्टोरी घोस्ट मैन. तो यहाँ पे स्टोरी की जगह वाई हटा के हम लिख देंगे स्टोरीज. घोस्ट की जगह आ जाएगा घोस्ट, घोस्ट एस आ जाएगा सी जी एच ओ एस टी एस घोस्ट. मैन की जगह आ जाएगा, हम चेंज कर देंगे वॉवल ए की जगह ई आ जाएगा मैन. माई कजिन एंड आई मेकिंग अ सैंडविच फॉर ब्रेकफास्ट. तो टू नाउंस आर अंडरलाइन हेयर फ्रेंड्स. सो कजिन की जगह आ जाएगा कजिन्स, एस लग जाएगा इसमें सी ओ यू एस आई एन एस. सैंडविच दैट इज सैंडविचेस, ई एस आ जाएगा क्योंकि सी एच हटा के हम ई एस लगा देंगे. द चाइल्ड कुड नॉट थ्रो द हुपला रिंग अराउंड द टॉय. चाइल्ड की जगह हमारा चिल्ड्रन हो जाएगा, रिंग की जगह हमारा रिंग्स आ जाएगा, टॉय की जगह हम इसको टॉयज कर देंगे. लाइक दिस यू हैव टू चेंज द सिंगुलर टू प्लूरल फॉर्म. सो यू हैव टू रीराइट दिस सेंटेंसेस चेंजिंग द नाउन्स, सम आई विल सॉल्व फॉर यू. डॉग्स चेज कैट्स, डॉग चेजेस कैट, यहां पे आ जाएगा डॉग chases cat and never forget to put the full stop. My sons-in-law are very helpful. My son-in-law is very helpful. बहुत helpful है मेरा son-in-law. I have three apple. I have an apple. Apples नहीं आएगा. I have an apple. One के लिए. The babies are crying. The baby is crying. The match box is on the shelf. V-E-S हटके F आ जाएगा. So the following sentence, D part. The following sentence have some errors. आपको इसकी एरर ठीक करनी है. द री राइट द सेंटेंस आफ्टर मेकिंग करेक्शंस. द फिशरमैन कॉट मैनी वराइटीज ऑफ फिशेस. क्या गलती है इसके अंदर, कॉट नहीं आएगा, बॉट आएगा यहां पे. बॉट बी ओ यू जी एच टी, बहुत सारी फिशेस लेके आया है, बहुत सारी विशेस उसने ब्रॉट करी हैं. आई ब्रॉट अ न्यू पेयर ऑफ सीजर फ्रॉम द मार्केट. नो, आई बायड अ न्यू पेयर ऑफ सीजर फ्रॉम द मार्केट. इट्स रॉन्ग, बी यू वाई ई डी. स्ट्रॉबेरी आर स्वीट एंड सॉर्ट टू ईट. स्ट्रॉबेरीज खाने में मीठी और खट्टी हैं. नो, खाने में नहीं आएगा. स्ट्रॉबेरी आर स्वीट एंड सॉर्ट टू टेस्ट. टेस्ट कैसा है वो बात करेंगे. नाउन आएगा आई ब्रॉट, अगेन ब्रॉट नहीं होगा, बार्ट होगा. सो लाइक दिस वी हैव टू पुट, वी हैव टू करेक्ट द एरर्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग.